चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसको आपको मैं पूरा समरी में समझाऊंगा चैप्टर को। फर्स्ट चीज़ आती है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो परफॉर्मेंस ऑफ जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो मेनली डिपेंड होती है लाइन पैरामीटर्स पे, जो हमारे होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जो इफेक्ट होता है हमारा रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का, वो कॉज करता है वोल्टेज ड्रॉप लाइन में, और जो इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस का, वो प्रोड्यूस करता है चार्जिंग करंट। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस। ये क्लासिफाई करी जाती है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसमें जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये लाइन वर्क करती है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे लोअर देन 20 kV, और इसकी लेंथ लेस देन 60 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसमें जो हमारी लाइन होती है वो वर्क करती है ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 132 kV, और इसकी जो लेंथ होती है वो 60 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक के बीच में होती है। थर्ड होती है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये लाइन वर्क करती है ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 120 kV और मोर देन 120 kV। इसमें जो लेंथ होती है इन लाइंस की वो मोर देन 150 किलोमीटर तक होती है हमारी। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इसमें वोल्टेज रेगुलेशन। जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर करती है करंट टू लोड, तो उसमें ड्रॉप होता है वोल्टेज में ड्यू टू रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। जो ड्रॉप होता है हमारा वोल्टेज का लाइन में, वो एक्सप्रेस करा जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिसीविंग वोल्टेज VR। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। फोर्थ चीज़ आती है हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो हमारा जो रेशियो होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज टू सेंडिंग एंड पावर, सॉरी रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का, पावर रिसीव्ड अपॉन में पावर सेंट मल्टीप्लाई बाय 100। पावर रिसीव्ड हमारी हो गई VRI cos φ R, और पावर सेंट VSI cos φ S मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट टॉपिक होता है हमारा इफेक्ट लोड पावर फैक्टर का रेगुलेशन और एफिशिएंसी पे। तो जो रेगुलेशन और एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड होती है हमारी लोड पावर फैक्टर पे। इसमें जो यूनिटी पावर और लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसमें रेगुलेशन पॉजिटिव होती है, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए रेगुलेशन नेगेटिव होती है। फिर जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो अगेन डिपेंड होती है लोड पावर फैक्टर पे। तो जो कांस्टेंट पावर के लिए और वोल्टेज के लिए पावर फैक्टर डिक्रीज करता है और राइज करता है हमारा लोड करंट, तो हमारे जो लाइन लॉसेस होते हैं वो भी हमारे थोड़े बहुत राइज होते हैं, तो जो एफिशिएंसी होती है लाइन की वो डिक्रीज होती जाती है इसके साथ। तो ये पूरा चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम का शॉर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें और शेयर करें, एंड अगर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।